हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, इस स्टॉक को आज हम एनालाइज करने वाले हैं। स्टॉक का नाम है एनएनसी इंडिया। इस स्टॉक में गाइस हमें लगातार तेजी देखने को मिल रही थी। गाइस, स्टॉक ने न्यू हाई रिकॉर्ड किया था फरवरी के मंथ में, गाइस 295 रुपीज का लेवल। उसके बाद स्टॉक में गाइस हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन गाइस डाउन साइड में हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, जिस लेवल से गाइस स्टॉक 3 times रिवर्स हुआ है, जो की 210 रुपीज का लेवल है। और आज भी गाइस हमें इस लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक में गाइस आज हमें 7% से ज्यादा की रैली देखने को मिल रही है। स्टॉक में गाइस हमें जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, इस लेवल से गाइस हमें 3 times स्टॉक रिवर्स होते हुए दिखाई दिया। अब गाइस ऊपर में हमें जो मूव देखने को मिल सकती है, आने वाले दिनों में गाइस स्टॉक के ऑल टाइम हाई तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर स्टॉक में गाइस इस लेवल का ब्रेक डाउन होता है तो बस में बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिलेगी, जिसको आज के वीडियो में एनालाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस बिना देर के स्टॉक के चार्ट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे लिए कौन सा रहेंगे, कहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टॉक में गाइस अगर बात करें, हमारा डाउन साइड में जो सपोर्ट लेवल रहेगा गाइस 210 रुपीज का लेवल रहेगा, और ऊपर में गाइस हमें जो रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है स्टॉक में 260 रुपीज का लेवल, इसमें हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस लेवल रहेगा। सेकंड रेसिस्टेंस लेवल जो रहेगा गाइस 295 रुपीस, स्टॉक का ऑल टाइम हाई तक के हमारे टारगेट्स रहेंगे। स्टॉक की गाइस अगर करंट लेवल से लेकर ऊपर में अपने रेसिस्टेंस लेवल तक देखें, टारगेट जो हमें देखने को मिलेंगे 12% के करीब टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक इसके अब ऊपर सस्टेन कर जाता है तो गाइस हमें नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिलेंगे 25% से ज्यादा टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा गाइस स्टॉप लॉस काफी छोटा सा 6% के करीब गाइस 220 रुपीस का लेवल, लेकिन इसमें हम अपना स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा कर रखेंगे गाइस 210 रुपीस का लेवल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि 9% के करीब है, क्योंकि गाइस रिजस्टिंग करते समय स्टॉक इस लेवल को एड करने के बाद हमें रिवर्सल देखने को मिल सकती है। तो गाइस स्टॉक में करंट लेवल से लेकर ऊपर में शॉर्ट टर्म के लिए गाइस 260 रुपीस तक के लेवल, और ऊपर में इसके बाद हमें गाइस 295 रुपीस तक के लेवल आने वाले गाइस 1 month के बीच में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा 210 रुपीस का लेवल रहेगा, जो कि 9% के करीब है। हालांकि कंपनी का ऑफर फॉर सेल लाइव है अभी, और इसमें सब्सक्रिप्शन गाइस ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। गाइस नॉन रेटेड कैटेगरीज में हमें 3 times से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, और रिटेल कैटेगरीज में अभी गाइस 10% के करीब हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि अब 10:30 बजे है गाइस मार्केट की क्लोजिंग से पहले पहले हमें इसमें भी ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन के चलते गाइस स्टॉक में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो गाइस ऑफर फॉर सेल के बाद स्टॉक को शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। गाइस आने वाले 1 month के बीच में हमें ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप गाइस आज की हमारी एनालिसिस जो थी पसंद आई होगी। गाइस वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।